खुला लो या कुंडली देख लो, बात के समझ में। पंडित जी को बुलाए, पंडित जी देखो ये बच्चा क्या बनेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा बोलते। तो पंडित जी ने देखे, पंडित जी के भी समझ में नहीं आया, उन्होंने बोले कुछ ऐसा करते अपन इसके वास्ते कुछ सिस्टम निकालते, वो कभी करेगा तो मैं बजट निकाल लूँगा। तो बोलते क्या करना, तो एक कमरे में ऐसा करो बोले जो मैं बोलता हूँ रख दो, एक कोने में नोट का बंडल रख दिए, एक कोने में दारू की बोतल रख दिए, एक कोने में हीरोइन की फ़ोटो रख दी और एक कोने में रामायण रख दिए। और पंडित जी ने बोले अगर ये नोट का बंडल उठाएगा तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, दारू की बोतल उठाएगा तो बड़ा होकर शराबी बनेगा, हीरोइन की फ़ोटो उठाएगा तो बड़ा होकर फिल्मी दुनिया में जाएगा, रामायण कभी उठाएगा तो बहुत बड़ा ज्ञानी या वैज्ञानिक या अंतर्यामी बनेगा। उसको अंदर छोड़ दिए, सब छुप के देख रहा है। बच्चा अंदर गया, जब पने से नोट का बंडल उठाया, खीसे में रखा, दारू की बोतल उठाया, गटगट पिया, हीरोइन की फ़ोटो उठाया, उसका चुम्मा लिया, कुर्ते के जेब में रखा और रामायण लेके बाहर निकल गया। पंडित जी चक्कर खा के गिर गए। सब करेंगे साथ में। बोले अब ये क्या बनेगा मेरे के, उनको पानी आनी पिलाए, होश में लाए। बोलते पंडित जी, बोलते तुम गिर क्यों गए, बोलते इनने सब काम एक साथ कर डाला, मैं क्या समझूंगे क्या बनेगा। फिर भी मगर बोलते मैं एक बजट मार के बताता हूँ आपको, ये देश का नेता ही बन सकता और कुछ भी नहीं, क्योंकि सब काम एक साथ कर डाला। इंसान हर इंसान से बच सकता मगर नेता से नहीं बच सकता। अभी बताओ, कभी काम नहीं हुआ तो पैसों से कर लेता, वो नहीं हुआ तो फिर औरत सामने छोड़ देता, कभी वो नहीं हुआ तो फिर उसके बाद में जैसा एक बात कैसी दारू का सहारा लेता, कभी वो भी नहीं हुआ तो फिर राम नाम का माला तुम्हारे सामने जपना का, कितनी चीज़ों से बचेंगे साहब आप। वहाँ से आदमी खाली हाथ आता, सीधा जाता मगर वापस नहीं आता। अल्लाह आपको अच्छा रखे। और एक शेर बिल्कुल आपके लिए, बिल्कुल कैसा लगता तो जैसा सुन के बताना। हाँ बिल्कुल। देखो, हम वतन हैं इन्हें बेसूद न समझा जाए, हम वतन हैं इन्हें बेसूद न समझा जाए, प्यार के फूलों को बारूद न समझा जाए। प्यार के फूलों को बारूद न समझा जाए, जो है मुजरिम सूली पे चढ़ा दो उसको, हर मुसलमान को दाऊद न समझा जाए। अल्लाह आपको